हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शुक्ला आपका एस्ट्रिकेटा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी, आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेकर के हाजिर हूं और आज हम डिस्कस करने वाले हैं पाइप एंड सिस्टर्न्स के बारे में, अर्थात पाइप और टंकी के बारे में। ठीक है ना, आज हम इस टॉपिक के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये जो आपका टॉपिक है इसमें जो है हम लोगों को अभी टंकी को फिल करना है। ठीक है, या टंकी को खाली करना है। ठीक है, अब या तो फिर जैसे कह दिया जाए कि भाई कोई एक नल है जो एक टंकी को भर रहा है, दूसरा कोई लीकेज है या कोई नल है जो उसको खाली कर रहा है, या दो नल है एक साथ भर रहे हैं, तो कैसे आप जो है इस टॉपिक के क्वेश्चनों को आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। आज हम लोग जो है टंकी को भरेंगे भी और टंकी को खाली भी करेंगे। टंकी में अगर कुछ रिसाव है, कोई लीकेज है, तो उसके साथ में टंकी कितने टाइम पर भर जाएगी, इस बारे में भी आज हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो अगर हम बात करें यहाँ पर, जैसे हम लोगों ने टाइम एंड वर्क पढ़ा, कौन सा टॉपिक पढ़ा, टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क में आपने देखा कि भाई कोई काम करने में समय जो लगता है वो एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग लगता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर भी तो भाई नल को काम ही कर रहा है, कोई पाइप किसी टंकी को भर रहा है, किसी टंकी को खाली कर रहा है, तो वो अपनी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग ही तो करेगा। तो भाई अगर किसी जो है व्यक्ति की, जैसे कोई व्यक्ति एक कार्य को करता है, तो आप कहते ना कि भाई इसको इस कार्य को करने में बहुत समय लग रहा है, तो उसकी जो इफिशियंसी है वो क्या है, कम है, और जिसकी इफिशियंसी ज्यादा होगी उसको कम समय लगेगा। ठीक है, तो अब जैसे हम यहां पर बात करें, अब यहां पर हमें बात करना है इनलेट और आउटलेट की, अर्थात टंकी को, टंकी के भरने की और टंकी को खाली करने की। अब जैसे अगर मैं कहूं कि कोई एक पाइप है, कोई एक पाइप है, वह जो है कोई एक पाइप है, वह एक टंकी को, एक टंकी को ए आर्स में फिल कर सकता है। ए आर्स में क्या कर सकता है, फिल कर सकता है। ठीक है ना, फिल कर देता है। तो अगर मैं कहूं कि उसका वन आर्स का वर्क कितना है, वन आर्स वर्क कितना है, तो आप बोलेंगे हो जाएगा आपका वन बाई ए। भाई एक पाइप जो है एक टंकी को एक घंटे में भर सकता है, तो उसका एक घंटे का वर्क कितना हो जाएगा, वन बाई ए हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर मैं कहूं कि कोई एक पाइप है, कोई एक दूसरा पाइप है जो एक टंकी को बी आर्स में खाली कर सकता है, बी आर्स में क्या कर सकता है, एम्प्टी कर सकता है, खाली कर सकता है, एम्प्टी कर सकता है, अर्थात खाली कर सकता है। ठीक है ना, तो इसका एक घंटे का वर्क कितना हो जाएगा, वन आर्स वर्क कितना हो जाएगा, वन आर्स वर्क कितना हो जाएगा, आपने कहा ये हो जाएगा आपका वन बाई बी। भाई एक जो है दूसरा कोई पाइप है, वह जो है इसको क्या कहता है, एक जो ये पाइप है, एक जो ये पाइप है उसको बी घंटे में जो है इम्पटी कर रहा है, तो उसका एक घंटे का वर्क कितना हो जाएगा, वन बाई बी हो जाएगा। अब दोनों एक साथ एक टंकी में खोल दिए गए, दोनों जो है एक साथ एक टंकी में खोल दिए गए, एक भरने का काम कर रहा है, एक निकालने का काम कर रहा है। तो यहां पर देखो, अगर मैं इनलेट की बात करूं, अगर मैं इनलेट की बात करूं कि कितने समय में टंकी भरी जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा आपका, अब देखो दोनों छत खोले गए हैं, पहला भी और दूसरा भी, तो ये हो जाएगा आपका वन बाई ए माइनस वन बाई बी। ठीक है ना, कब, जब ए जो है क्या है, बी से कम कम का काम कर रहा है, और ये क्या है, ये इनलेट वर्क है, ये जो है इसका इनलेट वर्क है, अर्थात भराव का कार्य है। ठीक है ना, दोनों जब भरे गए, यहाँ पे खोल दिए गए हैं, तो इसका आउटलेट का वर्क कितना हो जाएगा, वन बाई बी माइनस वन बाई ए। ये कब होगा, जब ए जो है ज्यादा वर्क करेगा बी की तुलना में, और ये वर्क क्या कहेगा होगा, आउटलेट वर्क। ये क्या होगा आपका, आउटलेट वर्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, आउटलेट वर्क, ये निकासी का काम है, ये इसके निकासी का काम निकल के आएगा। ठीक है ना, क्लियर है। तो भाई देखो, अगर एक पाइप किसी टंकी को ए आर्स में भर सकता है, तो उसका एक वन आर्स का वर्क कितना हो जाएगा,
पढ़ेंगे। एक पाइप जो है किसी टेंट को बी आर्स में खाली कर सकता है, तो इसका जो है एक घंटे का वर्क कितना हो जाएगा, 1 पाइप बी। अब दोनों एक साथ एक टंकी में खोल दिए गए, ठीक है ना, एक जो है निकासी का काम कर रहा है, एक भरने का काम कर रहा है, तो इनका जो है भरने का वर्क कितना होगा, इनलेट वर्क कितना हो जाएगा, 1 बाई ए माइनस 1 बाई बी। कब, जब ए जो है क्या होगा, कम काम करेगा बी की अपेक्षा। जब जो है ए ज्यादा काम करेगा बी के में, तो आउटलेट का वर्क कितना हो जाएगा, 1 बाई बी माइनस 1 बाई ए। यहां तक बात क्लियर है, ठीक है ना। अब हम लोग जो है बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। आज भी मैं अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूं, जैसे हमेशा हम लोग करते हैं, जैसे हमेशा हमारी क्लास में क्या होता है, पहले हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, इसके बाद जो फिर हम लोग उसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि टू टैप्स ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 12 आवर्स एंड 15 आवर्स रिस्पेक्टिवली, इफ बोथ द टैप्स आर ओपन सिमिलरली, देन हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिल द एम्प्टी टैंक। दो नल ए तथा बी एक टंकी को क्रमशः 12 घंटे तथा 15 घंटे में भर सकते हैं, यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है, बताइए भाई, 5 आवर्स 35 मिनट, 4 आवर्स 25 मिनट, 6 आवर्स 40 मिनट कि 3 आवर्स 40 मिनट। अब आपको क्या करना है कि दोनों नल है ना वो टंकी को भरने का काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, टंकी को भरने का काम कर रहे हैं, तो आपको बताना है कि भाई कितना समय लग जाएगा टंकी को भरने में। और यहाँ पे क्या दिया गया, समय दिया गया है। अगर हम यहाँ पे देखें तो देखो क्या है आपका ए जो है, एक नल एक टैप आपका ए है, एक टैप आपका बी है, दोनों काम क्या कर रहे हैं, टंकी को फिल करने का। हमने प्लस लगा दिया, प्लस का मतलब हो गया दोनों टंकी को क्या कर रहे हैं, पानी उसमें इनलेट कर रहा था, दोनों उसको भराव का काम कर रहे हैं, ठीक है ना। जब माइनस लगाएंगे तो वहां पे हो जाएगा एक जो है माइनस ये इंडिकेट करेगा कि ये इसको आउटलेट करने का काम कर रहा था, टंकी से जो है पानी निकालने का काम कर रहा है, क्लियर है। तो हमने दोनों में प्लस लग दिया, दोनों क्या कर रहे हैं, टंकी को भरने का काम कर रहे हैं। अब देखो यहां पे जो है ए को कितना समय लग रहा है, 12 घंटे, बी को कितना लग रहा है, 15 घंटे अकेले भरने में, ठीक है ना, बी को कितना लग रहा है, 15 घंटे। तो टाइम का रेशियो दिया गया है, ये क्या दिया गया, टाइम का रेशियो। अब आपको पता है कि जो आपका वर्क है, जो आपका वर्क है उसमें टाइम किसके अकॉर्डिंग लगता है, एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग, एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग। जिसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी उसको समय कम लगेगा, जिसकी एफिशिएंसी कम होगी उसको समय ज्यादा लगेगा। तो अब जो है यहां पर ये टाइम का रेशियो, तो हम इसकी एफिशिएंसी का रेशियो निकाल लें, किसका निकालें, एफिशिएंसी का रेशियो। तो अब आप जो है 12 और 15 का एलसीएम ले लीजिए, 12 एंड 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो आपने कहा इनका एलसीएम हो जाएगा 60, कितना हो जाएगा 60, तो टोटल वर्क कितना हो गया आपका 60, टोटल वर्क कितना हो गया 60, एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 5 एंड 4 12 5 जा 60 15 4 जा 60। तो ये किसका रेशियो आ गया, ये आपका इन दोनों पाइप की एफिशिएंसी का रेशियो है। ये किसका रेशियो दिया गया था, ये इनके टाइम का रेशियो दिया गया है। यहां तक मेरी बात समझ में आ गई, यहां तक आपको मेरी बात समझ में आई, आपने कहा बिल्कुल भाई ये इनके टाइम का रेशियो है, ये इनकी एफिशिएंसी का रेशियो निकल गया है, कितना 5:4। अब टोटल वर्क कितना है आपका 60, ठीक है ना, 60 लीटर के टैंक को हमको फिल करना है। अब अगर दोनों मिलकर करते तो कितने समय में कर देते, तो आपने कहा कि अगर दोनों मिल जाते, दोनों अगर मिल जाते ए प्लस बी, दोनों मिलकर कार्य करते तो ए की एफिशिएंसी 5 है, बी की एफिशिएंसी 4 है, टोटल दोनों की एफिशिएंसी 9 है। दोनों अगर मिलकर कार्य करते तो 60 वर्क को जो है दोनों मिलकर कार्य करते भाई, दोनों की एफिशिएंसी कितनी होगी, 9। कितना समय लग जाएगा, देखो जरा भाई, 3 3 9 3 2 6 हो जाएगा 20/3 आवर्स, अर्थात कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, 3 6 18 इनटू हो जाएगा आपका 2/3,
टू बाई थ्री को जो है अगर मिनट में कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन को तो इंटू 60 करना पड़ेगा। फ्रैक्शन को अगर मिनट में हमें कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, इंटू 60 करना पड़ेगा। तो टू बाई थ्री इंटू 60 कितना हो जाएगा, 3 × 2 = 6, 40 मिनट हो जाएगा, 40 मिनट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 6 आवर्स 40 मिनट, 6 आवर 40 मिनट आपका आंसर आ जाएगा। कितना समय लगेगा दोनों को मिल करके, 6 आवर 40 मिनट में दोनों जो है मिल करके इस टाइम को फिल कर देंगे। बात मेरी समझ में आई भाई, दोनों भरने का काम कर रहे हैं ए भी और बी भी, तो वो जो कार्य करेंगे अपनी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग करेंगे। अगर वो सिंगल सिंगल काम कर रहे हैं तो ए को कितना लग रहा है 12 घंटे, बी को कितना लग रहा है 15 घंटे, टोटल वर्क कितना है आपका 60, ठीक है ना। तो अगर हम इनकी एफिशिएंसी निकालें तो ए की एफिशिएंसी है 5 वर्क करने की और बी की एफिशिएंसी है 4 वर्क करने की, टोटल दोनों कितनी है 9, टोटल वर्क कितना है 60, तो 60/9 उनको समय जो लग जाएगा वो 20/3 आवर्स होगा, अर्थात 6 आवर्स 40 मिनट में ये टंकी को फिल कर देंगे। क्लियर, समझ में मेरी बात आ गई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगर आपको समझ में आया तो इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए भाई। A tank filled in 60 hours, but due the hole in the bottom of the tank is filled in 24 hours. If the tank is full, in how much time will it be empty due to the hole? बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बताएं भाई क्या होगा आंसर। एक नल एक टंकी को 16 घंटे में भरता है, परंतु टंकी की तली में छेद होने के कारण टंकी 24 घंटे में भरी जाती है, ठीक है ना। तो यदि टंकी पूरी भरी हो तो छेद के कारण कितनी देर में खाली हो जाएगी, बताइए भाई। 38 hours, 48 hours, 50 hours, 24 hours, ए बी सी डी में से कौन सा आपका सही होगा, कितनी देर में भरी हुई टंकी खाली हो जाएगी आपको बताना है। तो बताइए भाई कौन सा सही आंसर होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा कि आपका डी होगा। एक नल है जो उसको 16 घंटे में भरता है, परंतु तली में छेद होने के कारण 24 घंटे में भरी जाती है, तो बताएं भाई कितना आएगा आंसर। 38 आवर्स लगेंगे खाली करने में कि आपका जो है 48 आवर्स लगेंगे कि 50 आवर्स लगेंगे कि आपका जो है 24 आवर्स लगेंगे, कितना समय लग जाएगा। तो अगर आप यहां पर बात करें तो देखो, अब जो है एक आपका टैप उसको कितने देर में भर सकता है, आपने कहा टैप भर सकता है उसको 60 आवर्स, ठीक है, क्लियर। अच्छा, जब जो है टैप के साथ में लीकेज भी जुड़ा हुआ है अर्थात वो होल भी जुड़ा हुआ है तो उसको समय लग जाता है कितना, उसको समय लग जाता है आपका 24 आवर्स, अर्थात हम कह सकते हैं कि यहाँ पे टैप प्लस आपका जो होल है, ठीक है ना, टैप प्लस होल की वजह से जो टंकी है उसको टाइम लगता है 24 आवर्स। बात क्लियर है, यही तो कह रहा है ना क्वेश्चन कि भाई एक जो नल है वह एक टंकी को 16 घंटे में भर सकता है, आपने कहा बिल्कुल। अच्छा, टंकी में छेद होने के कारण उस टंकी को भरने में भाई 24 घंटे लग जाते हैं, तो नल तो बराबर अपना काम कर रहा है लेकिन जो रिसाव है, जो लीकेज है, जो होल है, उसकी वजह से जो है पानी है, जो निकलता जा रहा है। तो अब नल और प्लस आपका वो होल, इन दोनों को मिलकर जब इन दोनों काम करते हैं तो उनको 24 आवर्स लग जाते हैं टंकी को भरने में। तो अब जो है आप क्या करोगे, यहां से इन दोनों का एलसीएम ले लोगे, 16 और 24 का एलसीएम निकाल लीजिए। अब जैसे सपोज करो सर मुझे तो एलसीएम निकालना नहीं आता, मैं एलसीएम निकाल लूंगा कैसे, तो भाई देखो इसको फैक्टर मेथड यहां से आप यूज कर सकते हैं। जैसे मुझे नहीं समझ में आ रहा कि दोनों का एलसीएम कितना होगा, ठीक है ना, 16 एंड 24 का एलसीएम कितना होगा, तो आपने कहा 2, 2 8 = 16, 12, 2 = 24, फिर 2 से आ जाएगा 2, 4 = 8, 2, 3 = 10, 2, 6 = 12, फिर 2 से आ जाएगा 2, 2 = 4, 2, 3 = 6, फिर 2 से आ जाएगा तो 1, फिर 3 से आ जाएगा तो 1। अब इन सबका मल्टीप्लाई कर लो कितना हो जाएगा, 2 × 2 = 4, 2 × 2 = 4, 4 × 4 = 16, 16 × 3 = 48, तो इन दोनों का जो एलसीएम है कितना आएगा आपका 48।
कितना आ जाएगा आपका 48। बात मेरी समझ में आई? यहाँ पे जो है आपका 16 और 24 का एलसीएम कितना हो जाएगा? तो आपने कहा इनका एलसीएम हो जाएगा 48। कितना हो जाएगा? 48। कैसे निकालना है मैंने आपको बता दिया कि फैक्टर मेथड से आप एलसीएम निकाल सकते हैं। जैसे आपको डायरेक्ट नहीं आता रहा तो आप इस मेथड का यूज करके आप एलसीएम को निकाल सकते हैं। अब जरा देखो, तो ये तो इनका अलग अलग टाइम दिया है, ये इनके टाइम का रेशियो दिया गया है भाई कि एक जो टैप है वो 16 आवर्स में कर सकते भर सकता है और टैप के साथ जब होल मिल जाता है लीकेज मिल जाता है तो 24 आवर्स लग जाते हैं। अब देखो अगर मैं इनकी इफिशियंसी की बात करूं, इफिशियंसी की बात करूं तो टैप की कितनी हो जाएगी? 16 48 हो जाएगा ना, और दोनों की मिल कितनी हो जाएगी आपकी? 2। दोनों की मिल कितनी हो जाएगी आपकी? 2। ठीक है ना, बात क्लियर है? तो ये काम जो है आपका खाली करने का कर रहा है, ये इसको भरने का काम कर रहा है, ये इसको भरने का काम कर रहा है लेकिन ये इसको खाली करने का काम कर रहा है। ठीक है ना। अब अगर मैं बात करूं कि भाई टंकी को, अब देखो यहां पे कितना कि छेद होने के कारण कितनी देर में खाली हो जाएगी, छेद होने के कारण ये कितनी देर में खाली हो जाएगी? तो आपने कहा कि पूरी टंकी भरी हुई है, पूरी टंकी आपकी भरी हुई है, 48 लीटर की पूरी टंकी भरी हुई है। अब जैसे यहाँ पे अगर खाली करने की बात करें तो भाई टैप की एफिशिएंसी कितनी है? 3। इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी है? 2। ठीक है ना। तो अब होल की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी जो उसको खाली करेगा? तो आपने कहा कि यहाँ पर जो है अगर मैं होल की एफिशिएंसी निकालूं, लीकेज की एफिशिएंसी निकालूं, तो जगह 3 - 2 वह जो है वन उसकी एफिशिएंसी आ जाएगी। ठीक है ना, वन क्या आ जाएगी? उसकी एफिशिएंसी आ जाएगी। तो अब देखो यहाँ पर टोटल टंकी कितनी है आपकी? 48 लीटर भरी गई है, तो उसको खाली करने में कितना टाइम लग जाएगा? ठीक है ना, तो खाली करने में लग जाएगा 48/1, ये हो जाएगा आपका 48 आवर्स। बात मेरी आपको समझ में आई कि नहीं? बात मेरी समझ में आई कि नहीं? टैप था जो उसको 16 आवर्स में भर सकता है, टैप प्लस होल उसको 24 आवर्स में जो है क्या कर सकते हैं? फिल कर सकता है। अब हमें बताना है कि जो होल है, जो लीकेज है, वो कितनी देर उसको खाली कर सकता है। तो अगर मुझे उसकी एफिशिएंसी मिल जाए तो बता दूंगा। तो हमने पहले क्या कर लिया, इन दोनों का एलसीएम कितना हो गया? 48। इन दोनों का एलसीएम हो गया 48। ठीक है ना, टैप की एफिशिएंसी कितनी हो गई? 3। इन दोनों को मिला कितनी हो गई? 2। ठीक है। अब देखो अगर मैं कहूं कि भाई ये 3 के वर्ष में काम कर रहा है, ये दोनों 2 की एफिशिएंसी से काम कर रहे हैं, तो यहां पर जो होल की एफिशिएंसी कितनी निकल के आएगी? 1। अब जो लीकेज है, जो होल है, वो तो उसको खाली करने का काम कर रहा है ना, तो कितना समय लगेगा उसको खाली करने में? तो आपने कहा 48/1, 48 आवर्स लग जाएंगे उसको जो है एंट्री करने में, खाली करने में। तो आंसर आपका जो कौन सा हो जाएगा? बी जो है आपका सही आंसर। क्लियर, समझ में बात आई? ठीक है ना, केवल 2 लाइन में क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो जाए। ठीक है ना, केवल 2 लाइन, तीसरी लाइन की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है, समझ में बात आ रही है? ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि टू टैप्स ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 10 आवर्स एंड 15 आवर्स रिस्पेक्टिवली। If both are open together in an empty tank, तो how long will it take to fill the tank? दो नल A और B किसी हौज को क्रमशः 10 घंटे तथा 15 घंटे में भर सकते हैं। दोनों को एक साथ खाली हौज में खोल दिया जाए तो हौज को भरने में कितना समय लगेगा? अब ये दोनों क्या कर रहे हैं? भरने का काम कर रहे हैं। बताइए क्या होगा सही आंसर? कितने घंटे में वह हौज जो है भर जाएगा जब दोनों एक साथ खोल दिए जाए? 4 आवर्स में, 10 आवर्स में, कि 6 आवर्स में, कि नमाज दी जिनमें से कोई नहीं? ए बी सी डी में से कौन सा आपका सही आंसर होगा? ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि आपका डी होगा? तो आपने कहा बहुत सिंपल सा है। देखिए अब अगर मैं बात करूं तो 2 टैप है, एक आपका ए है, एक आपका बी। अच्छा यहाँ पे ए भी भरने का काम कर रहा है, बी भी क्या कर रहा है? भरने का काम। ए कितना टाइम ले रहा है? 10 आवर्स। बी कितना ले रहा है? 15 आवर्स। बी कितना ले रहा है भरने, उसको भरने में? 15 आवर्स। अब हम यहां से दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो हमें मिल जाएगा आपको टोटल वर्क।
कि भाई जो हॉज है वो कितना है जिसको इनको फिल करना है, ये तो टाइमिंग दिया है कितना टाइम इसको हॉज को अकेले भरने में लगता है, तो जब इन दोनों को साथ में खोल दिया जाएगा तो कितना समय लगेगा हॉज को भरने में। तो आपने कहा कि अगर यहाँ पे देखा जाए तो 10 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 10 एंड 15 का एलसीएम कितना होगा, तो आपने कहा इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 30 हो जाएगा, दोनों का एलसीएम कितना हो गया 30, तो टोटल वर्क कितना करना है इनको 30, ठीक है ना, टोटल वर्क कितना करना है 30 करना है, ठीक है। अब जरा देखो यहाँ पे अगर मैं इसकी, ये तो टाइमिंग का रेशियो है, ये टाइम का रेशियो है, अगर मैं एफिशिएंसी का रेशियो निकालूं तो इसकी एफिशिएंसी 3 है, इसकी एफिशिएंसी 2 है, ठीक है ना। तो एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग टाइम लगेगा, जिसकी एफिशिएंसी ज्यादा है उसको कम टाइम और जिसकी एफिशिएंसी कम है उसको ज्यादा टाइम। तो अब देखो भैया ए की एफिशिएंसी 3 है, बी की एफिशिएंसी 2 है, कह रहा है कि इन दोनों एक साथ खोल दिए जाए तो कितना समय लग जाएगा इसको भरने में। तो आपने कहा कि अगर दोनों की मिला के एफिशिएंसी देखें, ए प्लस बी की अगर हम बात करें तो ए प्लस बी कितना है, तो आपने कहा 3 है ए की, बी की है 2, कितना हो जाएगा आपका टोटल है ये 5, टोटल है ये 5, ठीक है ना। तो अगर दोनों मिलके काम करते हैं तो ए और बी मिलकर कितने समय में भर देंगे, आपने कहा 30 लीटर का हॉज है, दोनों की एफिशिएंसी 5 है, 5 6 30 6 आवर्स लग जाएंगे, दोनों को मिलकर वर्क करने में 6 आवर्स लग जाएंगे, 6 घंटे में दोनों मिलकर के जो है हॉज को भर देंगे, 6 घंटे में दोनों मिलकर के जो है हॉज को फिल कर देंगे। क्लियर समझ में आया कैसे भाई, ए जो है अकेले 10 घंटे में, बी अकेले 15 घंटे में भर सकता है, टोटल प्लान में वर्क वर्क निकालेंगे कितना 30 लीटर, 30 लीटर का आपका हॉज है जिसको इन दोनों को भरना है। तो आपने कहा ये तो टाइम का रेशियो है, ये इनकी एफिशिएंसी का रेशियो है, ए की एफिशिएंसी 3 आ गई, बी की एफिशिएंसी 2 आ गई, दोनों को मिला के 5 हो गई। तो भाई जब दोनों मिलके काम करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 30 अपॉन कितना हो जाएगा 5, तो आएगा 6 आवर्स आपका आंसर आ जाएगा। दोनों भरने का काम कर रहे हैं, दोनों जो है टैंक को या हॉज को भरने का काम कर रहे हैं, क्लियर है। तो आंसर आपका जो है सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन करते हैं, अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि टू टैप्स फिल ए टैंक इन 2 आवर्स एंड 3 आवर्स रिस्पेक्टिवली, इफ बोथ द टैप्स आर ओपन सिमल्टेनियसली इन द एम्प्टी टैंक, देन हाउ मच टाइम विल इट टेक टू फिल द टैंक। दो नल एक टंकी को क्रमशः 2 घंटे या 3 घंटे में भर देते हैं, यदि दोनों नल एक साथ खाली टंकी में खोल दिए जाए तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा, बताइए भाई। ए होगा, बी होगा, सी होगा कि आपका डी होगा, कितना समय लगेगा टंकी को भरने में, 3 hours 12 minutes, 4 hours, 1 hour 12 minutes की 15 hours, ए बी सी डी में से आपका कौन सा सही आंसर होगा, कितना समय लग जाएगा टंकी को भरने में। यहां पर भी जो दोनों टैंक है वो भरने का काम कर रहे हैं, एक 2 घंटे भर सकता है, एक 3 घंटे में भर सकता है, तो कितना समय लग जाएगा टंकी को भरने में। ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा कि आपका डी सही होगा, कौन सा आपका सही आंसर होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, अभी हम लोग ऐसे क्वेश्चन 3 क्वेश्चन कर चुके, ठीक है ना, 3 में से 2 क्वेश्चन हमने ऐसे ही किए, ठीक है, जिसमें दोनों नल आपके भर रहे हैं, ठीक है। एक हमने लीकेज की बात की, जिसने लीकेज खाली करना था तो लीकेज के द्वारा उसको खाली करना था, जिसमें उसकी एफिशिएंसी कितनी निकल के आएगी आपकी 1, तो वहां तो 48 आवर्स लग गए, तो उसको निकालने रहे उसको टंकी को पूरी जो है खाली करने में, बताइए इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर कितना आएगा। तो आपने कहा कि 2 नल है, ठीक है ना, 2 टैप है, मान चलते एक ए है और दूसरा आपका टैप बी है, दोनों काम क्या करना है, टंकी को फिल करने का काम करना है। एक जो है ए को कितना समय लग रहा है 2 घंटे, तीन का लग रहा है 3 घंटे, ठीक है ना। तो ये फिर से टाइम का रेशियो, ये किसका रेशियो है टाइम का, इनकी जरा एफिशिएंसी का रेशियो निकाल लेते हैं। तो आपने कहा 2 और 3 का जो एलसीएम है, 2 और 3 का जो एलसीएम है वो आपका 6 आएगा, अर्थात टोटल वर्क कितना आएगा आपका 6, जो इन दोनों को करना है। अब अगर जो है ए अकेले करता तो ए की एफिशिएंसी 3 होती, बी अकेले करता तो बी की एफिशिएंसी कितनी है 2,
ठीक है ना भाई, जब अकेले कर रहे हैं तो ए की एफिशिएंसी कितनी है, जो है 5 और बी की एफिशिएंसी कितनी है 2। ये तो टाइम का रेशियो दिया गया है ना, और टाइम जो है वो एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग लगता है। जिसकी एफिशिएंसी ज्यादा उसको काम करने में कम समय लगेगा, जिसकी एफिशिएंसी कम उसको काम करने में ज्यादा समय लगेगा। तो अब जरा देखो भाई, अब दोनों मिलकर अगर काम करते हैं, दोनों अगर एक साथ मिलकर काम करें तो दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, ए की 3 है बी की 2 है, टोटल एफिशिएंसी दोनों की होगी 5। तो दोनों अगर मिलकर इस टैंकी को फिल करते हैं तो 6 लीटर की टैंकी है, दोनों की एफिशिएंसी 5 है, कितना समय लग जाएगा? आपने कहा 5 × 5 1/5 आवर्स, ठीक है ना। 1/5 जो फ्रैक्शन उसको आप जब मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 60 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जाएगा आपका 1/5 × 60, कितना आ जाएगा आपका 12 मिनट, कितना जाएगा 12 मिनट आ जाएगा। तो ये आंसर आपका हो जाएगा जो है 1 आवर 12 मिनट आपका आंसर हो जाएगा। 1 घंटे 12 मिनट का समय लगेगा, 1 घंटे 12 मिनट में सारा का सारा काम जो है करने में क्लियर कर देंगे, टैंक को भर देंगे। तो कितना समय दोनों जब काम एक साथ करेंगे तो ये 1 घंटे 12 मिनट में उस टैंकी को भर के जो है फुर्सत हो जाएंगे, जो भी काम हो गया फिनिश हो गया। अब बताओ और किस टैंकी को भरना है, ठीक है ना। तो टैंकी कितना समय लगेगा आपका जो है 1 घंटे 12 मिनट। तो जिस प्रकार से टाइम एंड वर्क क्वेश्चन को करते हैं ना, वहां पे भाई आदमी वर्क करता है, बच्चे वर्क करते हैं, महिलाएं वर्क करती हैं, यहाँ पे तो नल वर्क कर रहे हैं, तो नल भी तो उसी की एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग, भाई कोई जो है किसी नल की ज्यादा एफिशिएंसी बहुत तेज चल रहा है तो उसके अकॉर्डिंग वो भरेगा टैंकी को, कोई एक नल है जो बहुत धीमे चल रहा है वो अपनी जो है एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग टैंकी को भरेगा। तो यहाँ पर भी आपका जो है टाइम एंड वर्क का ही सारा कॉन्सेप्ट लगाते हैं लगता है, क्योंकि यहाँ पर भी जो आपका नल है दोनों वर्क ही कर रहे हैं। तो आपको पता है कि भाई जो टाइम लगता है किसी वर्क करने में वो एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग लगता है, जिसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी उसको कम समय लगेगा और जिसकी एफिशिएंसी कम होगी उसको ज्यादा समय लगेगा, क्लियर है। तो दोनों मिलकर के जो है टैंकी कितने घंटे भर सकते हैं, 1 घंटे 12 मिनट में जो है इस टैंकी को ये भर देंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। 3/5 ऑफ ए टैंक इज फिल्ड इन 10 मिनट्स, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू फिल द रिमेनिंग पार्ट। किसी टंकी का 3/5 भाग 10 मिनट में भर जाता है तो शेष भाग को भरने के लिए कितना समय लगेगा बताइए भाई। 6 मिनट 40 सेकंड, 9 मिनट 40 सेकंड, 8 मिनट 10 मिनट, ए बी सी डी में से कौन सा आपका सही आंसर होगा। तो सभी लोग आंसर दे रहे हैं, कौन सा आपका सही होगा, ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि आपका डी होगा, कौन सा इसमें से आपका सही आंसर होगा। कितनी देर में जो है शेष भाग आपका टंकी का जो है भर जाएगा। तो अब देखिए ये क्वेश्चन है, तो भाई इस क्वेश्चन को आप कई तरीके से कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई किसी टंकी का जो है 3/5 भाग 10 मिनट भर जाता है, तो आपने कहा कि काम क्या है टंकी को भरना, ठीक है ना। वर्क क्या है टंकी का भरना। अच्छा टंकी का जो टोटल पार्ट है, अगर मैं कहूं कि टोटल पार्ट कितना है, टोटल पार्ट है कितना, तो आपने कहा ठीक है टोटल पार्ट है कितना। अच्छा रेस्ट पार्ट कितना है, रेस्ट पार्ट रिमेनिंग पार्ट शेष पार्ट कितना है, रेस्ट पार्ट कितना है, तो आपने कहा 1 में से 3/5 तो फिल हो गया, 5 − 3/5 तो 2/5 आपका जो है क्या हो गया आपका रेस्ट पार्ट। अब इसको जो है आप जो आप टाइम एंड वर्क में पढ़ते हैं m1d1 upon w1 = m2d2 upon w2, इस रूल से भी कर सकते हैं। अब यहाँ तो ना तो दोस्तों m1d1 है ना तो यहाँ पे m2d2 है, तो फॉर्मूला क्या होता है m1d1h1 upon आपका क्या होता है w1 = m2d2h2 upon w2। तो यहाँ पे आपका टाइमिंग तो है ना, टाइमिंग है ठीक है ना, कितना 10 मिनट में भर जाता है, सेव का कितने समय में भरेगा, तो आपने कहा रेस्ट पार्ट कितना है आपका 2/5। अगर हम इसको इस फॉर्मूले से लगाते हैं तो देखो w1 कितना है जिसने पहले वर्क किया, आपने कहा 3/5। अच्छा w2 कितना है, तो आपने कहा ये है 2/5।
अगर मैं H1 की बात करूं पहले उसको कितना समय लगा, आपने कहा 10 मिनट। W2 H2 हमें निकालना है, कितना समय अब इसको लगेगा, कितना समय अब इसको लगेगा, हमने मान लिया A मिनट लगेगा, हमने मान के लिया कि जो है H2 जो आएगा वो A मिनट आएगा। अब देखो ना तो यहां M1 है ना D1 है, H1 हमने टाइम माना है, हमने H1 क्या माना है टाइम, ठीक है ना। तो अब यहां पर ध्यान रखना यहां पर क्या आ जाएगा आपका, यहां पर जाएगा H1 अपॉन W1 अर्थात यहां पे आप कर देंगे कितना आपका 10 अपॉन 3/5 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका H2 अपॉन W2 अर्थात 2/5। तो यहां पे A इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, इसको जब आप सॉल्व करेंगे आगे कितना हो जाएगा आपका 3/5 A इक्वल्स टू 2/5 इनटू हो जाएगा आपका 10, 5 × 10 2 × 4 तो A इक्वल्स टू हो जाएगा आपका ये 4 × 5/3 20 upon 3 ये हो जाएगा आपका कितना 3/6 हो जाएगा आपका 18 2/3 तो 2/3 को जब आप अभी जो कि मिनट में आएगा ना ये समय किसमें आएगा आपका मिनट में, ठीक है ना भैया, जो आपका समय दिया था वो मिनट में दिया, तो समय जो आएगा वो मिनट में आएगा, ध्यान रखना इस बात को। तो ये आपका मिनट है, तो जब आप 2/3 को आप चेंज करेंगे तो ये इसमें सेकंड में चेंज हो जाएगा, तो जाएगा 6 मिनट इनटू कर दो 60 कितना जाएगा आपका 40 सेकंड, कितना आ जाएगा आपका 40 सेकंड भाई, जब आप यहां पे इनटू 60 करेंगे तो 23 या 60 हो जाएगा, 22 का कितना हो जाएगा 40, तो 6 मिनट 40 सेकंड आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन बी आ ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा, कितना समय लगता चाहिए उसको 6 मिनट 40 सेकंड चाहिए। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, आप इसको डायरेक्ट रेशियो से भी कर सकते हैं, डायरेक्ट रेशियो इनडायरेक्ट रेशियो वहां से भी आप इसको कर सकते हैं, ठीक है ना, आप उस मेथड से भी कर सकते हैं, आप इस मेथड से भी कर सकते हैं। हम लोगों ने टाइम एंड वर्क भी पढ़ा है, आपको याद होगा M1 D1 upon W1, M1 D1 H1 भी होता है upon W1 equals to M2 D2 H2 upon W2, क्लियर है भाई, वर्क ही तो उसको करना है, तो वर्क टोटल कितना है 1, ठीक है ना, रेस्ट पार्ट कितना है 2/5, तो W1 जो पहले वो कर चुका वो 3/5 था, टाइम उसको कब लगा 10 मिनट का लगा, W2 कितना है 2/5 उसको टाइम निकाला कितना मिनट का टाइम लगेगा, तो आपने कहा भाई एक मिनट कितनी आ जाएगी, आपकी 20/3 आ जाएगी, तो 6 मिनट 40 सेकंड आपका आंसर आ जाएगा, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं, अगले क्वेश्चन का जरा आंसर बताएं क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि टू टैब्स ए एंड बी फिल ए टैग सेपरेटली इन 10 मिनट्स एंड 20 मिनट्स रिस्पेक्टिवली, अ फुल टैग बिकम्स एम्प्टी इन 40 मिनट्स ड्यू टू अ लीक इन द बॉटम ऑफ द टैंक, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिल द एम्प्टी टैंक इंक्लूडिंग द लीक। दो नल एक था बी एक टंकी को अलग अलग क्रमशः 10 मिनट तथा 20 मिनट में भर देते हैं, टंकी के तल में रिसाव के कारण भरी हुई टंकी 40 मिनट में खाली हो जाती है, खाली टंकी को रिसाव सहित भरने में कितना समय लगेगा बताइए भाई, 12 मिनट लगेगा, 6 मिनट लगेगा कि 8 मिनट लगेगा कि आपका 20 मिनट लगेगा, ए बी सी डी में से आपका कौन सा सही आंसर होगा। तो अब यहाँ पर देखो दो जो नल है दो जो टैप है आपके वो भरने का काम कर रहे हैं, एक लीकेज जो उसको खाली करने का काम कर रहा है, तो आपको ये बताना है कि जो है टंकी को रिसाव सहित भरने में कितना समय लग जाएगा, तो बताइए भाई कौन सा आपका सही आंसर होगा, ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि आपका डी होगा। तो देखिए भाई अगर आप यहाँ पर बात करें तो क्या है, देखो ए जो है एक आपका ए नल है ए टैप है एक बी है और एक हम मान लेते हैं जो लीकेज है वो सी है, ये दोनों इसको भरने का काम कर रहे हैं, सी इसको इम्प्टी करने का काम कर रहा है, लीकेज में जो भाई उसमें रिसाव हो रहा है, तो आपने कहा कि इसका जो इसको कितना समय लग रहा है 10 मिनट, इसको 20 मिनट ठीक है ना, और इसको लग रहा है 40 मिनट ठीक है ना, 40 मिनट में खाली हो जाती भरी हुई टंकी, तो इसको जो है टंकी को जो है खाली करने में 40 मिनट लग जाते हैं, माइनस का मतलब हो गया उसको वहां से पानी निकल रहा है, अब 10 20 और 40 का एलसीएम बताओ कितना होगा, 10 20 और 40 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो आपने कहा एलसीएम हो जाएगा 40,
40 जो है एलसीएम में टोटल वर्क कितना है 40, ठीक है ना। अब देखो इनकी जरा एफिशिएंसी निकालो, ये तो टाइम का रेशियो है, ये तो टाइम का रेशियो एफिशिएंसी अगर निकाले तो ये इसकी हो जाएगी 4, ठीक है ना, और इसकी हो जाएगी आपकी 2 और इसकी हो जाएगी 1, क्लियर है। ये एफिशिएंसी निकल के आ गई। अब देखो ये तो पानी को निकालने का काम कर रहा है और ये दोनों भरने का काम कर रहा है, और हमें बताना है कि रिसाव सहित कितने समय में टंकी भर जाएगी। तो आपने कहा कि अगर इन तीनों को एक साथ खोल दिया जाए, इन तीनों को एक साथ खोल दिया जाए, तो भाई ये दोनों तो भरने का काम कर रहे हैं लेकिन ये निकालने का काम कर रहा है। आपने कहा 4+2 और यहां से पानी निकल रहा है, ये पानी निकल रहा है, तो आपने कहा कि अगर 6-1 इनकी जो एफिशिएंसी है वो 5 है, तो तीनों जब एक साथ खोले जाएंगे तो टंकी कितने समय में भर जाएगी, टंकी कितने समय में भर जाएगी। आपने कहा टोटल वर्क है आपका 40, इन तीनों की जो एफिशिएंसी भरने की है वो 5 है, तो 5 × 8 = 40, 8 मिनट में टंकी क्या हो जाएगी, फिल हो जाएगी। 8 मिनट में टंकी क्या हो जाएगी आपकी, फिल हो जाएगी। तो ऑप्शन आपका सी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर, समझ में बात आई भाई। ए भर रहा है, बी भी भर रहा है, सी क्या रहा है, उसको सी से क्या है, पानी निकल रहा है। तो आपने कहा कि भाई यहां पे इनका हमने एफिशिएंसी निकाल लिया, तो ए और बी तो भरने का काम कर रहे लेकिन सी खाली करने का काम कर रहा है, तो 4+2 अब माइनस का हो जाएगा 1, तो इन तीनों को मिला के जो भरने की एफिशिएंसी है वो 5 है, और जो 40 लीटर की टंकी उसको भरने कितना समय ले लेंगे, ये तीनों जो है एक साथ जब खोले जाएंगे 8 मिनट ले लेंगे, ठीक है ना। तो आंसर कितना हो जाएगा आपका, सी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे, आते हैं अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। अगले क्वेश्चन का आंसर देखिए भाई क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 टैप्स कैन फिल ए सिस्टर्न्स इन 3 आवर्स एंड 4 आवर्स रिस्पेक्टिवली, एंड एन आउटलेट टैप कैन एम्प्टी दिस फिल्ड सिस्टर्न्स इन 2 आवर्स if all the 3 taps are opened simultaneously in that empty tank, how long will it take to fill it? दो नल एक हौज को क्रमशः 3 घंटे तथा 4 घंटे में भर सकते हैं तथा एक निकासी नल इस भरे हौज को 2 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों नल एक साथ खाली हौज में खोल दिए जाए तो इसे भरने में कितना समय लगेगा, बताइए भाई। 15 आवर्स लगेंगे, 12 आवर्स लगेंगे कि 16 आवर्स लगेंगे, 5 आवर्स लगेंगे। यहां पर भी देखो दो नल भरने का काम कर रहे हैं और एक नल पानी निकालने का काम करता है। जो दो नल पानी भरने का काम कर रहे हैं उसमें से एक को लगता है 3 घंटे, दूसरे को लगते हैं 4 घंटे, ठीक है ना, तथा जो निकासी नल है वो 2 घंटे में उसको खाली कर सकता है। तो अब पता है कि भाई जिसकी एफिशिएंसी जितनी ज्यादा होगी उसको समय उतना कम लगेगा किसी कार्य को करने में। तो बताइए अगर तीनों एक साथ खोले जाएंगे तो जो खाली आपका हौज है, जो खाली टंकी है, वो कितने समय में आपकी भर जाएगी, जहां पानी फिल भी हो रहा है, जहां पानी निकल भी रहा है। तो आपने कहा कि हमने मान लिया कि दो टैप है ए और बी, हमने माना एक है ए, एक है बी, और तीसरा जो है आउटलेट वाला है सी। ए क्या है, भरने का काम, बी भी भरने का काम कर रहा है, सी जो है निकालने का काम कर रहा है। प्लस मतलब फिल करना, माइनस मतलब उसको निकालना, क्लियर है। प्लस माइनस हम लगा दें तो आप इस चीज को समझ जाइएगा। अब जरा देखिए ए का कितना टाइम लग रहा है, 3 घंटे, बी को कितना टाइम लग रहा है, 4 घंटे, सी जो है उसको 2 घंटे में क्या कर सकता है, खाली कर सकता है। तो 3, 4, 2 का एलसीएम जरा बताओ भाई क्या होगा, 3, 4 × 2 का कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, 3, 4, 3, 4 × 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, आपने कहा 12 हो जाएगा। तो टोटल वर्क जो इनको कर रहा है वो 12, ठीक है ना, क्या कितना करना है 12। अब जरा इनकी एफिशिएंसी निकालो भाई, ये तो टाइम का रेशियो है, एफिशिएंसी की अगर मैं बात करूं तो इसकी एफिशिएंसी 4 है, इसकी एफिशिएंसी 3 है, इसकी एफिशिएंसी 6 है, तभी सबसे कम टाइम ले रहा है, कम टाइम ले रहा है खाली करने में। अब अगर इन तीनों को एक साथ खोला जाएगा तो कितना समय लगेगा उसको भरने में। तो आपने कहा कि अब तीनों को अगर एक साथ खोलते हैं
प्लस बी प्लस सी, तो आपने कहा ये दोनों तो भरने का काम कर रहे हैं लेकिन ये खाली करने का काम कर रहा है, ये खाली करने का काम कर रहा है तो 4 प्लस 3 ये तो भरेंगे लेकिन जो ये 6 है ये तो इसको खाली करेगा, तो माइनस का 6, तो तीनों को मिला के एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 7 माइनस 6, तो ये हो जाएगा आपका 1, कितनी हो जाएगी आपकी 1। भाई जो भरने का काम है वो केवल 1 में होगा, क्यों? क्योंकि भाई वो अगर 7 भर रहे हैं तो 6 खाली कर दे रहा है ना, तो वो केवल एक ही तो भर जा रहा है, तो अब कितना समय लग जाएगा, तो आपने कहा अगर तीनों मिलकर जो इसको भरते हैं जिसमें जो है ए और बी भरने का काम करता है सी खाली करने का काम करता है, तो इन तीनों को मिला के पीछे कितनी आ रही है 1, टोटल वर्क है 12 अपॉन 1, अर्थात इनको 12 घंटे लग जाएंगे इस हॉज को भरने में, इस 12 घंटे लग जाएंगे इस हॉज को भरने में, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में बात आ रही है? ठीक है, जो भाई खाली हॉज है उसको इनको भरने में 12 घंटे पूरे लगेंगे, क्योंकि भाई ए और बी तो भर रहे हैं लेकिन सी क्या कर रहा है उसी रफ्तार से खाली कर रहा है, वो जो है 7 की रफ्तार से भर रहा है 6 की रफ्तार से खाली कर दे रहा है, ठीक है ना। तो अब एक ही तो तीनों को मिलकर एफिशिएंसी आई भरने की, तो कितना आ जाएगा आपका 12 और आपका आंसर। क्लियर, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि अटैच फिल एन एम्प्टी टैंक इन 8 आवर्स बट ड्यू टू द होल इन द टैंक इट टेक्स 2 आवर्स मोर टू फिल इट, हाउ लॉन्ग विल दिस होल टेक टू एम्प्टी द फुल टैंक। एक नल खाली टंकी को 8 घंटे में भर देता है परंतु टंकी में छेद होने के कारण इसे भरने में 2 घंटे अधिक लगते हैं, तो भरी टंकी को खाली करने में यह छेद कितना समय लेगा बताइए भाई। 14 आवर्स लेगा, 26 आवर्स लेगा कि 45 आवर्स लेगा कि नॉमिनल में से कोई नहीं। तो यहां पर जो है आप निकालिए कि भाई जो होल है जो लीकेज है उसकी एफिशिएंसी कितनी है, बताइए भाई क्या होगा सही आंसर। ए होगा कि बी होगा कि आपका सी होगा कि आपका डी होगा, इन चारों में आपका कौन सा सही आंसर होगा। तो यहाँ पर देखिए अगर हम बात करें तो एक जो टैप है वो उसको कितने घंटे भर सकता है, टैप काम करता है भरने का, टैप जो है कितने घंटे भर सकता है, आपने उसको ए मान लिया, आपने उसको क्या मान लिया ए, ए जो है उसको भर सकता है जो है कितने घंटे में 8 घंटे, ठीक है ना। अच्छा ए के साथ में ये तो है, ये ए के साथ में जब एक लीकेज मिल गया, जब एक लीक मिल गया अर्थात एक होल मिल गया, ठीक है ना, तो यहाँ पर जो है लीकेज मिल गया तो इसको भरने में 10 घंटे लग जाते हैं, बात मेरी समझिए ना, ये भरने का काम कर रहा है ये खाली करने का काम कर रहा है, लीकेज से जो रिसेगा ना पानी, रिसाव होगा जो होल है उससे पानी निकल रहा है, तो भाई जब ए के साथ में जब वो लीकेज मिल रहा है जब वो होल मिल रहा है तो उसको कितना टाइम लग रहा है 10 घंटे लग रहा है। अब दोनों का जरा एलसीएम निकालो कितना होगा, तो 8 और 10 का एलसीएम आपका 80 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 80, ठीक है ना, टोटल जो इनको काम करना है वो 80 करना है। अब इनका अगर एफिशिएंसी निकालो, ये तो इनका टाइम का रेशियो है, अगर एफिशिएंसी की बात करें एफिशिएंसी का कितना आ जाएगा, इसका 10 आ जाएगा इसका 8 आ जाएगा। अब देखो भाई इसके साथ नल भी देखो जो टैप है वो भी है लेकिन फिर भी उनका जो उनकी एफिशिएंसी वो 8 है, था जो 2 कम एफिशिएंसी हुई किस कारण से हो गई, जो 2 कम एफिशिएंसी हो गई वो किस कारण से हो गई, लीकेज की वजह से, ठीक है ना। भर तो ये इसको कितना भरना चाहिए 10, लेकिन जब ये ए के साथ में लीकेज आ गया तो उसकी एफिशिएंसी कितनी हो गई 8, तो 2 की रफ्तार से क्या हो रहा है खाली हो रहा है, 2 की रफ्तार से क्या हो रहा है खाली हो रहा है। तो अगर मैं बात करूं कि लीकेज की एफिशिएंसी कितनी है, जो आपका होल है जो लीकेज है उसकी एफिशिएंसी कितनी है, तो आपने कहा कि भाई ये हो जाएगा ए, ए के भाई इसकी एफिशिएंसी से हम इसकी एफिशिएंसी को माइनस कर दें, तो ए की एफिशिएंसी है 10, टैप और लीकेज को मिला के जो एफिशिएंसी है वो ए, तो लीकेज की जो एफिशिएंसी है वो 2 आ जाएगी, लीकेज की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी, बात मेरी समझ में आ रही, लीकेज की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 2, भाई क्यों, क्योंकि ए जो है अकेला जब भरता है तो उसको 10 घंटे लगते हैं 8 घंटे लगते हैं, जब ए के साथ में लीकेज आ जाता है तो फिर उसको 8 कितने घंटे लगते हैं 8 घंटे लगते हैं, ठीक है ना, सॉरी 10 घंटे लगते हैं,
तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो गया 80, टोटल हो गया कितना है 80, तो ए की एफिशिएंसी 10 है और ए की लीकेज के साथ में एफिशिएंसी 8 है। तो जो दो कम हो गई एफिशिएंसी किसके वजह से हो गई, लीकेज की वजह से। तो लीकेज की अगर एफिशिएंसी निकालना है तो ए की एफिशिएंसी से इसको माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 2। अब टोटल वर्क कितना है, जो भरी टंकी है, जो भरी टंकी है वो कितनी है 80 लीटर की, ठीक है ना। अब लीकेज को क्या करना है, लीकेज को क्या करना है, एमपीटी करना है। तो अगर मैं बात करूं कितना समय लगेगा टैंक को एमपीटी करने में, टैंक को एमपीटी करने में कितना समय लगेगा, तो आपने कहा कि 80 लीटर का टैंक है, लीकेज की एफिशिएंसी 2 है, 2 × 4 = 80, ये हो जाएगा आपका जो है 40 आवर्स, 40 घंटे लग जाएंगे उसको जो है इस टंकी को जो है क्या करने में, इम्पिटी करने में, खाली करने में, ठीक है भाई। इसकी एफिशिएंसी कितनी, 2 ही तो है, तो टोटल टैंक कितना भरा है 80 लीटर का, तो कितना टाइम लगेगा उसको इम्पिटी करने में, 40 आवर्स लग जाएंगे, 40 घंटे लग जाएंगे। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाए, क्लियर। आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि अ पाइप फिल्स एन एम्प्टी टैंक इन 3 आवर्स, टू ड्रेन पाइप्स कैन एम्प्टी अ फुल टैंक इन 6 आवर्स एंड 10 आवर्स रिस्पेक्टिवली, इफ ऑल द 3 पाइप्स आर ओपन टुगेदर इन द एम्प्टी टैंक देन हाउ मच टाइम विल इट टेक टू फिल द टैंक। एक पाइप खाली टंकी को 3 घंटे में भर देता है, 2 निकासी पाइप भरी टंकी को क्रमशः 6 घंटे तथा 10 घंटे में खाली कर सकते हैं। यदि खाली टंकी में तीनों पाइप इकट्ठे खोल दिए जाए तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा बताइए, 10 आवर्स लगेंगे, 22 आवर्स लगेंगे, कि जो है 15 आवर्स लगेंगे, 12 आवर्स लगेंगे। ए बी सी डी में से आपका कौन सा सही आंसर होगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, आपके 2 नल पानी निकालने का काम कर रहे हैं, 1 नल पानी भरने का काम कर रहा है, तो बताइए अगर तीनों एक साथ खोले जाएंगे तो कितना समय लग जाएगा टंकी को फिल करने में, भरने में, बताइए ए बी सी डी में से कौन सा आपका सही आंसर होगा। तो देखिए यहाँ पर जो है 2 पाइप का कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, 1 पाइप क्या कर रहा है, फिल कर रहा है। देखो जरा हम बात करते हैं, जो ए है वो इसको भर रहा है, बी जो है उसको खाली कर रहा है, सी भी जो है उसको खाली कर रहा है, ठीक है ना। एक पाइप खाली टंकी को 3 घंटे में भर सकता है, ए भरने का काम कर रहा है इसकी, इसको 3 घंटे लगते हैं, बी खाली करने का काम कर रहा है 6 घंटे में, सी खाली करने का काम कर रहा है 10 घंटे में। अब बता देना 3, 6 और 10 का एलसीएम का कितना होगा, 3, 6 और 10 का एलसीएम बताइए कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा आपका 30, ठीक है ना। एलसीएम में संख्या होती है, तीनों से क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका जो है कितना हो जाएगा 30, तो टोटल का कितना हो गया 30। तो अब जरा इनकी एफिशिएंसी निकालो, ये तो इनका टाइम का रेशियो है ना, किसका रेशियो है टाइम का, जरा एफिशिएंसी निकालोगे कितनी आएगी, तो आपने कहा इसकी आ जाएगी 10, 6 × 5 = 30, 10 × 3 = 30। तो जो भरने वाले नल की एफिशिएंसी वो 10 है, बी की जो खाली कर रहा है उसकी एफिशिएंसी कितनी है 5 है, सी जो खाली कर रहा है उसकी एफिशिएंसी कितनी है 3 है। तो अब अगर इन तीनों को एक साथ वहां पे खोल दिया जाए तो कितना समय लगेगा टंकी को भरने में, तो आपने कहा कि अगर तीनों को एक साथ खोला जाता है ए प्लस बी प्लस सी, तो आपने कहा ये तो भरने का काम करता है लेकिन ये दोनों खाली करने का काम करता है, 10 − 5 − 3, तो ये जाएगा आपका 10 − 8, अर्थात ये हो जाएगा आपका 2। तो जो आप ये तीनों जब मिलकर काम करेंगे तो केवल 2 काम हो पाएंगे, ठीक है ना। अगर भाई ये हम बात करें कि 10 लीटर भर पाता है, ये 5 लीटर खाली करता है, 3 लीटर खाली करता है, तो अगर तीनों मिलकर भरेंगे तो केवल 2 लीटर ही पानी उसमें भर पाएगा, ठीक है ना, क्योंकि वो 10 लीटर भरता तो है लेकिन वो 8 लीटर दोनों खाली कर देते हैं मिलकर के, तो केवल कितना लीटर भर पाया 2 लीटर। तो अगर तीनों मिलकर इसको भरते हैं, तीनों अगर मिलकर के इसको भरते हैं तो कितना समय लग जाएगा, इसमें ये भरने का काम करता है, दोनों खाली करने का काम करते हैं, टोटल काम है 30, केवल 2 लीटर ही तो भर जाएगा, 15 घंटे लग जाएंगे, कितना घंटे लग जाएंगे 15 घंटे लग जाएंगे इस टंकी को फिल करने में। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा,
ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। कितने घंटे लग जाएंगे? 15 घंटे। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि अ पाइप फिल्स अ वाटर टैंक 3 times as fast as another pipe. If both the pipe together fill the empty tank in 36 minutes, then how much time would the slower pipe take to fill the empty tank? एक पाइप इसी पानी की टंकी को एक अन्य पाइप की तुलना में 3 गुनी तेजी से भरता है। ये दोनों पाइप मिलकर खाली टंकी को 36 मिनट में भरे तो धीमी गति वाला पाइप टंकी को भरने में कितना समय लेगा? बताइए भाई। 2 घंटे 24 मिनट, 5 घंटे 24 मिनट, 9 घंटे कि 2 घंटे 18 मिनट? ए बी सी डी में से कौन सा आपका सही आंसर होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा कि आपका डी होगा? कौन सा इनमें से आपका सही आंसर आएगा आपको बताना है। तो देखिए भाई, यहाँ पे आपको एक एफिशिएंसी का रेशियो पहले दिया गया है, ये दिया गया है कि एक पाइप किसी पानी की टंकी को एक अन्य पाइप की तुलना में 3 गुना तेजी से भर सकता है। तो ये तो इनकी एफिशिएंसी हो गई ना, ये क्या हो गया इनका कि इनकी एफिशिएंसी। मान करते हैं कि एक पाइप ए है, एक पाइप बी है, दोनों किसका काम करते हैं? भरने का। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि जो ए है पाइप वो बी की तुलना में 3 गुना तेजी से उस टंकी को भर सकता है। तो अगर मैं इनकी एफिशिएंसी की बात करूं तो अगर बी की 1 है तो ए कितनी हो जाएगी? 3। ये जो है इनकी एफिशिएंसी का रेशियो है, ठीक है ना। तो अब जब ये दोनों मिलकर कार्य करते हैं तो उस टंकी को जो है 36 मिनट में भर देते हैं। अब देखो जरा टाइमिंग कितना दिया गया दोनों को मिलकर, दोनों को मिलकर के जो टाइमिंग है, दोनों जब मिलकर के टंकी को फिल करते हैं तो जो टाइमिंग दिया गया वो 36 मिनट का दिया गया है। एफिशिएंसी दोनों की टोटल कितनी है? दोनों की टोटल एफिशिएंसी कितनी है? आपने कहा 3+1 कितनी है आपकी? 4। अगर मैं बात करूं टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टोटल वर्क जो इनको करना है तो आपने कहा हो जाएगा 36 × 4 हो जाएगा आपका 144। कितना हो जाएगा? 144। ये एक टोटल वर्क इनको करना है। अब देखो ए की एफिशिएंसी है 3 वर्क करने की, बी की एफिशिएंसी है 1 वर्क करने की, उसको करना है 144 वर्क। कितना समय लग जाएगा बी को अकेले करने में? ठीक है ना भाई, स्लोअर पाइप तो बी ही है ना, क्योंकि बी की एफिशिएंसी 1 है तो जो स्लोअर पाइप है वो यही है। तो स्लोअर पाइप कितना समय लगेगा? तो आपने कहा स्लोअर पाइप कौन सा है? बी। बी को कितना समय लग जाएगा? आपने कहा 144 वर्क है, उसकी एफिशिएंसी 1 है, इसको पूरा का पूरा 144 मिनट लगेगा। और 144 मिनट में कितना हो गया? 144 मिनट को जरा घंटे में कन्वर्ट कर लो तो आपका क्या हो जाएगा? 2 hours 24 minutes हो जाएगा। तो आंसर कितना आएगा आपसे? ये आपका सही आंसर हो जाएगा, 2 घंटे 24 मिनट लगेंगे। क्लियर है भाई? ए की एफिशिएंसी 3, बी की एफिशिएंसी 1, क्योंकि जो एक पाइप वो दूसरे की अपेक्षा 3 गुना तेजी से भरता है। तो ये जो है इनको टोटल कितना टाइम लगता है? 36 मिनट दोनों अगर एक साथ भरते हैं। एफिशिएंसी टोटल कितनी है? 4। टोटल वर्क कितना है आपका? 144। इस वर्क को अगर अकेले भी करते हैं उसको 144 मिनट लग जाते हैं। तो आंसर आ जाएगा आपका ए जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 taps ए एंड बी कैन फिल ए वाटर टैंक इन 12 मिनट्स एंड 15 मिनट्स रिस्पेक्टिवली। Both are opened simultaneously, but after 3 minutes, A is switched off. How much more time will be take to fill the tank? दो नल A तथा B किसी पानी की टंकी को क्रमशः 12 मिनट तथा 15 मिनट में भर सकते हैं। दोनों को एक साथ खोला जाता है, किंतु 3 मिनट बाद A को बंद कर दिया जाता है। B टंकी को भरने में कितना समय और लेगा? बताइए भाई। 6 मिनट लेगा कि 8:1/4 मिनट लेगा कि 8 मिनट लेगा कि 9:1/4 मिनट लेगा? ए बी सी डी में से आपका कौन सा सही आंसर होगा बताइए भाई। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तो यहां पर अगर देखें तो एक का आपका जो है ए है वो 12 मिनट में भर सकता है, बी जो है वो 15 मिनट में भर सकता है। अब यहां पर क्या ए को 3 मिनट बाद बंद कर दिया जाता है,
ठीक है ना, तो जो बी है उसको भरने में कितना समय लेगा? तो आपने कहा कि भाई अगर देखें तो एक टैग ए है एक टैग बी है, दोनों काम करते हैं टंकी को फिल करते हैं, ठीक है। अच्छा ये कितना समय लेता है, तो आपने कहा 12 मिनट, ये कितना लेता है 15 मिनट। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, तो आपने कहा दोनों का एलसीएम ले ले, तो 12 और 15 का एलसीएम हो जाएगा 60, अर्थात टोटल वर्क कितना हो जाएगा 60। तो अगर हम इनकी एफिशिएंसी निकालें, ये तो टाइम का रेशियो है, एफिशिएंसी जरा निकालो भाई, तो 12 × 5 = 60, 15 × 4 = 60, तो इसकी एफिशिएंसी 5 आ जाएगी, बी की एफिशिएंसी 4 आ जाएगी। यहां तक बात क्लियर है? अब ज्यादा करके कह रहा है कि किंतु 3 मिनट बाद ए को बंद कर दिया जाता है। तो 3 मिनट तक तो दोनों ने मिलकर काम किया ना, 3 मिनट तक दोनों ने मिलकर काम किया। तो अगर मैं बात करूं कि आफ्टर थ्री मिनट रिमेनिंग वर्क कितना है, तो आपने कहा कि इन 3 मिनट में आफ्टर थ्री मिनट रेस्ट वर्क कितना होगा, रेस्ट वर्क जो आपके जो है बी को करना है। तो आपने कहा कि देखो बिल ऐसा है कि इन दोनों ने जब मिलके काम किया ए प्लस बी ने, तो 3 मिनट में कितना वर्क कर दिया, जरा इसको निकाल लेते हैं। आपने कहा ए की एफिशिएंसी कितनी है 5, बी की एफिशिएंसी कितनी है 4, तीनों ने 3 मिनट तक काम कर दिया, तो 9 × 3 दोनों ने 27 वर्क तो कर दिया। अब रेस्ट वर्क है कितना, रेस्ट वर्क कितना है या रिमेनिंग वर्क है कितना, तो आपने कहा टोटल वर्क है 60, उसमें से 27 तो हो चुका, तो आपने कहा 33 वर्क आपका अभी जो है शेष है। अब इस 33 वर्क को कौन करेगा, बी करेगा। इस 33 वर्क को कौन करेगा, बी करेगा। तो आपने कहा 33 वर्क को अब अकेला बी करेगा, अब बी की एफिशिएंसी कितनी है 4, कितना समय ले लेगा, 4 × 8 = 32 = 33 = 4, इतना मिनट आपका ले लेगा, 8 मिनट 8 सही 1/4 मिनट लग जाएंगे। तो ऑप्शन आपका बी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाए, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाए। बात मेरी समझ में आई, ए 12 मिनट बी 15 मिनट, इनकी एफिशिएंसी निकल के आ गई। ए जो है वह 3 मिनट बाद काम किया था, तब तक दोनों ए और बी दोनों मिलकर काम करते हैं ना, तो दोनों ने जब मिलकर काम किया तो जो है 3 मिनट तक दोनों ने जब मिलकर काम किया तो 27 वर्क दोनों ने मिलकर कर दिए। अब 33 वर्क जो बचा वो कौन करेगा, बी अकेला करेगा, तो उसको भी कितना टाइम लग जाएगा उसको करने में, 8 सही 1/4 मिनट, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई क्या होगा। Three tabs A, B and C can fill a tank in 6 hours. They were opened together in an empty tank. After 2 hours, C was closed and A and B filled the remaining part in 7 hours. How much time will it take for C alone to fill the empty tank? तीन नल A, B और C एक टंकी को 6 घंटे में भर सकते हैं। इन्हें इकट्ठे खाली करने इकट्ठे खाली टंकी में खोल दिया गया, 2 घंटे बाद सी को बंद कर दिया गया, तथा ए और बी ने शेष भाग को 7 घंटे में भर दिया। अकेले सी द्वारा खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, बताइए भाई। ए बी सी डी में से कौन सा आपका सही आंसर होगा, ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि आपका डी होगा। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है कि आपके 3 नल जो हैं ए बी और सी एक टंकी को 6 घंटे में भर सकते हैं, है ना। तो इन्हें जो है और जो दो घंटे इन्हें इकट्ठे खाली टंकी में खोल दिया गया, 2 घंटे बाद सी को बंद कर दिया गया। अब यहाँ पर देखें, अगर हम बात करें कि ए बी और सी का जो है 2 घंटे में इन्होंने कितना काम कर लिया, ठीक है ना, 2 घंटे में इन्होंने कितना काम कर लिया। तो आपने कहा कि अगर मैं बात करूं कि ए बी सी ए प्लस बी प्लस सी 2 आवर्स वर्क इनका कितना हुआ, 2 आवर्स वर्क, तो आपने कहा ये हो गया आपका 2/6, अर्थात कितना हो जाएगा 2 × 1 = 2 × 2 = 3 = 6, कितना वर्क इन्होंने कंप्लीट कर दिया, 1/3 वर्क कंप्लीट कर दिया। अच्छा रेस्ट पार्ट कितना बचा, अगर मैं बात करूं आपसे रेस्ट वर्क की, रेस्ट वर्क तो आप बोलेंगे
टोटल वर्क था वन, उसमें से वन बाई थ्री इन्होंने कर दिया, तो ये बचेगा आपका थ्री माइनस वन बाई थ्री, तो टू बाई थ्री वर्क अभी आपका शेष बचा है। अच्छा, इस रेस्ट वर्क को करेगा कौन, इस रिमेनिंग कार्य को करेगा कौन, ए और बी। ए और बी ने इस कार्य को सात घंटे में पूरा कर दिया। तो अगर मैं बात करूं कि ए प्लस बी सेवन हावर्स वर्क, तो आप बोलेंगे ये हो जाएगा आपका जो है टू बाई थ्री इंटू वन बाई सेवन, ये हो जाएगा आपका टू बाई ट्वेंटी वन, टू बाई ट्वेंटी वन। क्लियर है? अब देखो यहां पर पूछा कि सी द्वारा खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो अगर मैं कहूं कि सी का एक घंटे का काम, सी इज वन आवर्स वर्क, वन आवर्स वर्क आपको निकालना है, तो आपने कहा ये हो जाएगा जो है ए बी सी का जो है मिला के कितना आ जाएगा आपका जो है वन बाई सिक्स, जो तीनों ने मिलके किया है। ये जो है ए और बी का जो है एक घंटे का कार्य, भाई तीनों का एक घंटे का कार्य कितना है, वन बाई सिक्स है, क्योंकि छह घंटे में तीनों भर सकते हैं, तो वन बाई सिक्स। और जो आपका ए और बी का एक घंटे का वर्ग है वो कितना है आपका, टू बाई ट्वेंटी वन है, टू बाई ट्वेंटी वन है। अब जरा इसको सॉल्व करके कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 42, 6 7 जा 42, हो जाएगा कितना 21, 2 जा 42, 2 2 जा 4, ये हो जाएगा आपका 3 बाई 42, कितना हो जाएगा आपका 3 1 जा 3, 3 4, 3 जा 42, तो कितना आ जाएगा आपका 1 बाई 14। तो C को कितना समय लगेगा, C को लग जाएगा 14 आवर्स, C को लग जाएंगे 14 आवर्स, ठीक है ना। सी को जो है 14 घंटे लग जाएंगे अकेले इस टंकी को खाली करने में, ठीक है ना। कितना लग जाएगा आपका सी, तो जो है 14 आवर्स आ जाएगा, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई? एक घंटे का वर्क कितना है 1 बाई 14, तो उसको एक पूरा काम करने के लिए अर्थात पूरा टंकी को फिल क्या करने के लिए, सी द्वारा खाली टंकी को भरने में, तो सी को अकेले भरने में कितना समय लग जाएगा जो है 14 आवर्स लग जाएंगे, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो समझ में आया किस प्रकार से जो है हम बहुत आसानी से जो है पाइप और टंकी के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं, बहुत आसान है। सारा का सारा जो कॉन्सेप्ट है ना वो आपका जो है टाइम एंड वर्क पे ही पूरा का पूरा बेस्ड है, इसलिए बहुत आसान टॉपिक है। अगर आपको टाइम एंड वर्क बहुत अच्छे से आता है तो आप इस चैप्टर को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आपको क्लास की जानकारी समय समय मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चलती रहे। तो आज इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।